तो गैस आप खेल सकते हो दोनों में ही, इसमें भी आपको बर्ड वाला गेम मिल जाता है। अब गैस ज़्यादा खेलने में मज़ा आपको किस में आएगा आपको पता ही है खुद ही है, जिसमें बड़ी डिस्प्ले उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। वेलकम है गैस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज हम कंपेयर करने वाले हैं यहाँ पे दो अमेजिंग वॉचेस को, एक तरफ है आइकन 3 और नॉइस की आइकन 2 विस्टा। ठीक है, देखते हैं आइकन 3 ज़्यादा बेटर है, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर दिया है वैसे भी, या आइकन 2 विस्टा बेटर है इसका मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर दिया है। बट लोग परेशान हैं यहाँ पे, क्या 2000 रुपये में ये लें या थोड़े पैसे और मिला के 700 रुपये या 800 रुपये मिला के आपको एमोलेड डिस्प्ले वाली वॉच मिल रही है, या 500 रुपये मिला के एमोलेड वाली वॉच मिल रही है, क्योंकि मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा जिसके थ्रू ये आपको वॉच 2580 रुपये तक की पड़ जाएगी। यस गाइस आइकन 2 विस्टा, और ये वॉच तो 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है अभी। आई डोंट नो यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो गई होगी, क्योंकि ये वाला जो वेरियंट है ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, स्टील वाला प्लस ये ब्लू वाला। ठीक है, तो गाइस अभी अब जो नेक्स्ट सेल आएगी इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूँ स्टेनलेस स्टील की बॉडी मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे आपको एल्युमिनियम की बॉडी मिलती है, मतलब जो आइकन 2 विस्टा है। बट इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, यस, जो आपको इसमें नहीं मिलती। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं ब्राइटनेस अब दिखाऊँ यहाँ पे कमाल के मिलते हैं दोनों के ही। ठीक है, तो गाइस ज़्यादा मतलब कलर एक्यूरेसी ऑब्वियसली बात ऐसी की है, बट यहाँ पे कह सकते हो सिमेट्रिकल बेजल्स मिलते हैं इस वॉच में आपको आइकन 3 में, काफ़ी ज़्यादा मेरे को अपीलिंग लगता है इसका एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसमें 1.7 इंच की डिस्प्ले, इसमें 1.91 इंच की डिस्प्ले, तो डिस्प्ले भी बड़ी है इसकी। ठीक है, और थोड़ा सा हैवी भी फील होती है ये, और इसी के साथ साथ डेडिकेटेड सेंसर के साथ आती है, और इसमें भी आपको डेडिकेटेड सेंसर मिल जाते हैं पीछे की साइड, देख सकते हो यहाँ पे। मैं आपको वैसे स्क्रीन गार्ड भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके बाय कर सकते हो। वैसे गाइस अगर मैं दोनों का ही अगर आपके सामने वेट करूँ कितना क्या है यहाँ पे वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, मैं ज़ीरो कर देता हूँ पहले इसको, यहाँ पे हम रखते हैं ये वाली वॉच को। यह है 61 ग्राम्स की, अप्रॉक्सीमेटली 58 ग्राम्स की है, और यहाँ पे इसको देखते हैं ये तो हल्की होगी। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 ग्राम्स का अंतर है, तो गैस 20 नहीं 10 ग्राम का अंतर है, तो गैस ये हैवी भी है थोड़ी सी। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट लगती है, मतलब ये लास्ट मीडियम टू थिन डिश पे भी चल जाती है, और इवन स्क्रीन डिश पे भी ठीक चल जाती है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। और ये आपकी लास्ट मीडियम डिश के लिए ठीक रहेगी, थिन रिस्ट पे नहीं चल पाएगी ना ही स्किन रिस्ट पे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, स्पीकर माइक का वेंट कहाँ पे, यहाँ पे माइक का वेंट मिल जाता है बड़ा सा, और यहाँ पे आपका स्पीकर का वेंट, मतलब ये स्पीकर का वेंट है बड़ा सा, और माइक का वेंट आपको इधर का मिल जाता है ये रहा। और इसमें अगर मैं बात करूँ इसमें स्पीकर का वेंट ये रहा, यहाँ पे माइक का वेंट मिल जाता है। तो गाइस एल्युमिनियम ज़्यादा बेटर है या स्टेनलेस स्टील? देखिए स्टेनलेस स्टील थोड़ी सी हैवी हो जाती है, एल्युमिनियम से अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर कर दूँ ये भी है डिफरेंस कहीं ना कहीं। ठीक है, और वैसे आप चैनल पे आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं आपको मैसेज नोटिफिकेशन है, यूआई दोनों का ही सिमिलर मिलेगा आपको, नीचे की साइड से नोटिफिकेशन एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो किसका फ्लूड है किसका नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको फ्लूड लगने वाला है आइकन 2 विस्टा का, है ना। राइट साइड में स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे मेन्यू खुल जाता है, और यहाँ पे भी आपका नो यहाँ पे मेन्यू नहीं खुलता, यहाँ पे बटन टैप करके मैं नहीं खुलता, और वैसे यहाँ पे स्क्रोलेबल वॉलपेपर मिल जाते हैं, इससे आप वॉलपेपर को भी चेंज कर सकते हो, बट इसमें कोई भी स्क्रोलेबल का सीन नहीं मिलता है, यहाँ पे टैप करते आप ऑफ हो जाती है वॉच ये। ठीक है, और यहाँ पे टैप करते ही मेन्यू खुल जाता है, मेन सेम जो मेन्यू दोनों में मिलता है। लेफ्ट साइड में स्वाइप करते हैं आपको कुछ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें सेम ही मिलती हैं, मतलब ब्राइटनेस लेवल से होके यहाँ पे सेटिंग में जाके वॉच फेस वाइब्रेशन एंड रिंग म्यूट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है दोनों में ही यहाँ पे, और ब्राइटनेस लेवल्स का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ब्राइटनेस दोनों में ही फुल कर रखी है फिलहाल मैंने, और लो पावर मोड मिल जाता है, स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, स्क्रीन क्लॉक है बेसिकली, लॉक नहीं है, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं मिलता, बट इसमें आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है, ये अच्छी बात है। इसमें आपको ऐसा सच कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है आइकन 2 विस्टा में, और सारी की सारी चीज़ें हूबहू आइडेंटिकल हैं, सारे के सारे यूआई सेम ही है दोनों का ही, नॉइस की वॉचेस में सेम ही होता है खासकर। ठीक है, और यहाँ पे हम मेन्यू को चेक करते हैं, सारे के सारे मेन्यूज को चेक कर लेते हैं ए टू जेड यहाँ पे इधर की साइड से। सबसे पहले स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स मोड में वॉकिंग करके देखते हैं, 50 स्टेप चल के देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी, यहाँ पे मेरे को पता करनी है कैसी क्या मिलती है। और यहाँ पे 51 दिखा रहा है, क्लोज टू एक्यूरेट है, और यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे 55 दिखा रहा है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एक्यूरेसी दोनों में ही इनफैक्ट सिमिलर ही मिलती है, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं मिला मेरे को तो। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको आगे बढ़े तो यहाँ पे नॉइस हेल्थ का ऑप्शन मिल जाता है दोनों में ही, नॉइस हेल्थ में आपका एक्टिविटी है, और यहाँ पे भी आपका एक्टिविटी है, हार्ट रेट मिल जाता है, वो तो ये चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर के साथ दोनों ही वॉचेस आती हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और बैक करते हैं यहाँ पे, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है यहाँ पे, हार्ट रेट हमने चेक कर लिया, स्लीप मॉनिटर भी मिल जाता है, स्लीप मैंने इसमें रिकॉर्ड की थी फिलहाल, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर्ली वर्क करता है, इसमें मैंने इसको पहन के सोया नहीं था तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है वैसे भी। और यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है आइकन 2 विस्टा में, बट आइकन 3 में आपको नहीं मिलता है। तो गाइस यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक कर लेते हैं ओवर द एयर यहाँ पे एक बार, तो गैस ये ओवर द एयर नहीं बताती है, बट कभी कभार ओवर द सरफेस ही बता देती है वॉच, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बैक करते हैं,
और उसके बाद आपको मैसेज नोटिफिकेशन मिल जाता है जो सारे के सारे मैसेज वॉच में शो करता है, और बज का ऑप्शन मिल जाता है मेनली नॉइज़ बज का। यहाँ पे कॉलिंग फीचर चेक कर लेते हैं, दोनों ही वॉचेज़ अलग अलग फोन से कनेक्टेड है तो यहाँ पे लाउडनेस आपको अच्छे से पता चल जाएगी दोनों ही वॉचेज़ में कैसे क्या मिलती है। यहाँ पे इसी चेक करते हैं, सबसे पहले लाउडनेस बहुत कम है, ओके इसमें आ रही है बस, नहीं नहीं इसमें काफ़ी लाउड है, इसमें तो बहुत कम है, मेरे यूनिट में शायद कुछ इशू है इस वाले में। आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके में भी ये इशू है कि नहीं है। देखो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, लाउडनेस कम ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक है, बट इसमें काफ़ी लाउड है। तो गाइज़ यहाँ पे कनेक्टिविटी और लाउडनेस के मामले में ये काफ़ी अच्छी है आपकी विस्टा 2, ठीक है। और आगे बात करते हैं, यहाँ पे वेदर अपडेट मिल जाता है दोनों में ही, वेदर तो मेरे ख्याल से ले लिया होगा, इसमें नहीं लिया है, इसमें अभी चेक करना पड़ेगा। म्यूज़िक का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन नहीं मिलता, क्लॉक यहाँ पे मिल जाती है और अलार्म मिल जाता है, बट यहाँ पे अलार्म लगा नहीं सकते दोनों में से किसी में भी, ये है फ्लॉ। चीज़ें सेम है, मतलब वही यूआई चेप दिया इसके अंदर भी, उसके अंदर भी दोनों ही सेम है। मतलब यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है दोनों में ही, सेम कैलकुलेटर भी है एक एमोलेड डिस्प्ले में है और एक नॉर्मल डिस्प्ले में है। और गाइस यहाँ पे आपको ये बर्ड वाला गेम मिल जाता है, तो गाइस आप खेल सकते हो दोनों में ही, इसमें भी आपको बर्ड वाला गेम मिल जाता है। अब गाइस ज़्यादा खेलने में मज़ा आपको किस में आएगा, आपको पता ही है खुद ही है, जिसमें बड़ी डिस्प्ले उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। और वापस से आपका सेटिंग का ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस ये तो होगी सारी की सारी चीज़ें, वॉइस असिस्टेंट भी चेक कराता हूँ आप सभी को। वैसे यहाँ पे व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद, इसमें बता रहा है, इस वाली में बेसिकली आइकन 3 में। इसमें क्या है कि आपको ऑडियो प्रोफाइल ऑन करनी पड़ेगी, मतलब ऑडियो प्रोफाइल ऑफ है शायद यहाँ पे, एप्लीकेशन से ही होगी मेरे ख्याल से। वैसे बताता है वॉच में इटसेल्फ कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पे पहनते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं, फाइनल कंक्लूजन मैं आपको देता हूँ इस वॉचेस का दोनों का ही। सो गाइस दोनों ही कमाल की लग रही हाथों पे, बट यही है कि मतलब एक लास्ट मीडियम टू थिन स्किन रिस्ट पे भी चल जाएगी और एक आपके लास्ट मीडियम रिस्ट पे ही चल पाएगी। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया इसको और यहाँ पे हम चेक करते हैं हार्ट रेट, सबसे पहले यहाँ पे तो खुलेगा ही नहीं हार्ट रेट जब तक यहाँ पे नहीं जाएंगे, चलिए चेक करते हैं। रिजल्ट आ चुका है आपके सामने, यहाँ पे 96 दिखा रहा है SpO2 और हार्ट रेट हमारा दिखा रहा है 89 करीब करीब, ठीक है। और इसमें देखते हैं, ओके क्लोज टू एक्यूरेट मिल जाता है आपको, और यहाँ पे अभी भी स्कैन कर रहा है, ओके इसने मेज़र ही नहीं किया है तो इसमें इशू आया था कई बार, देख सकते हो उसमें 82 हो चुका है और इसमें 86 दिखा रहा है 85, तो क्लोज टू एक्यूरेट मिल जाता है आइकन टू विस्टा में। और ये अभी स्कैन ही कर रही है, देखते हैं यहाँ पे कब तक बताती है, तब तक हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं SpO2, तो इसमें बता ही नहीं रहा है गाइस, कुछ ना कुछ तो इशू है इसके अंदर वॉच में, मेरे यूनिट में है खासकर, कभी वॉलपेपर नहीं लगता है, कभी स्पीकर का तो इशू था शुरू से ही, मतलब जब मेरे को मिली थी। यहाँ पे SpO2 चेक कर लेते हैं। अब गाइज मैं फाइनल कंक्लूजन आपको देता हूँ, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है गाइज, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मैं कहूँगा यहाँ पे सिंगल बिट चिप के साथ वाली ये वाली वॉच है आइकन 2 विस्टा, इससे बेटर है आइकन 3 से, क्योंकि आइकन 3 में क्या है कि डिस्प्ले तो बड़ी मिलती है बट अगेन इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती, दूसरा लाउडनेस कम मिलती है, तीसरा कनेक्टिविटी इशूज़ हैं, और ये सब चीज़ों की वजह से मतलब 2000 रुपये वर्थ नहीं है, क्योंकि अगर आप 800 रुपये मिला के एमोलेड डिस्प्ले लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है आइकन 2 विस्टा काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रह सकती है, ठीक है आप सभी के लिए। एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलती है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा वोट यहाँ पे आइकन 2 विस्टा को जाता है। आई नो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेटर है, इससे क्राउन की वर्किंग मिल जाता है, आई नो यहाँ पे इसमें भी क्राउन की होता तो कमाल हुआ था, मतलब धमाल हुआ था, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट वॉच मिलती है और गाइज ये मतलब सोफेस्टिकेटेड सिंपल लगती है, ठीक है, ट्रेडिशनल लुक देती है ये, थोड़ा सा मतलब आपको उस तरीके से होगी। मेरे पास कौन सी वॉच है, एक और वॉच रखी हुई है Amazfit की Pop 2, उसकी तरह ये थोड़ी सी बल्कि सी और भारी लगती है, ठीक है। तो गाइस ये था डीप डाउन कंपैरिजन, अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।